ओके, अब लग रहा है सब बच्चे आ गए। अब सुनो आप बच्चों, करना क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ, सुनो अच्छे से। देखो आपका इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से, वन वन टू थ्री और फाइव, समझे? अगर आपका इलेक्ट्रॉन फाइव से, सपोज वन पे, फाइव से वन पे वो जंप लगाता है, कहाँ से? फिफ्थ वन पे। सो व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी? अंकुश, जील, बोरड, क्या पागल हो गए हो क्या? अंकुश और जील बोरड, पता नहीं चलता, म्यूट रहना है बच्चे। अब आप समझो कि आपका इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से कहाँ पे आने वाला है बच्चों? वन पे जंप लगाने की सोच रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सोच के बताओ कितनी लाइंस मिलेगी। तो मुझे तो पता है, फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन कितना हुआ बताओ? क्या 15? फाइव 15 होता है ना, 5 नहीं, नहीं, वो फाइव, क्या फाइव नहीं होगा? आता, 5 फाइव आएगा ही नहीं, फाइव नहीं आएगा। 5 नहीं फोर थ्री आएगा, टू वन कितना आते हैं बताओ? टेन, इलेवन, सॉरी टेन। अब सुन, टेन। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एन टू जो है ना वो फाइव है, और एन वन जो है ना वो वन है, समझे आप बात? अब आप यही फॉर्मूला याद रखो कि कितने लाइंस क्रिएट होगी। तो द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन इन ब्रैकेट एन टू माइनस एन वन प्लस वन। जब आप मैथ्स में सीरीज पढ़ोगे ना, तब ये पॉइंट आएगा, तब ये फॉर्मूला वहां पे आएगा मैथ्स में। अब सुनो, एन टू कितना होता है बताओ? एन टू कितना है? फाइव फाइव। फाइव फाइव वन माइनस वन, वन फाइव फिर यहाँ पे क्या होगा? वन माइनस वन प्लस वन ट्वेंटी फाइव ही आएगा, आएगा, प्लस वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू। आएगा, कितना आंसर आया? टेन टेन आएगा टेन सर। आया। सो एग्जैक्टली मुझे याद था ये फॉर्मूला, मैं इसका बहुत यूज नहीं करता, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। हाँ, दिक्कत कब होगी बता? टू पे आएगा ना, तब दिक्कत होगी। ओके, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लेना है तो, या फिर लिख लो तो साथ में लिखने की प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। सर सब आप बहुत खास खास बहुत लिखो। कितना सर फास्ट करवाते हो, आप रुकते भी नहीं हो सर। हाँ सर, ठीक है, चलो रुकता हूँ, चलो। हाँ लिखते हैं ना तो समझ में कुछ नहीं आता, आप जाने देते तुरंत ही स्क्रीनशॉट लेना शुरू किया है। ओके ठीक है, चलो। लेकिन ये समझ मैं में तो आ गई आपका बात? एनोटेट, आपका एनोटेट का ऑप्शन आता है, मैं उसमें सेव कर लेता हूँ। वो क्या होता है? वो आपका कंप्यूटर में, मतलब आपकी जो स्क्रीन है ना, वो मैं भी चला सकता हूँ। मजाक मत करिए। हाँ चला के दिखाओ। दिखा था। एक मिनट। हाँ हाँ बंद कर दिया मैंने, देखा। क्या? ले क्या 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 सर, अभी मैंने देखा बंद हो गया, अभी मेरे पास ऑप्शन था पूरा। वो ठीक है, और कुछ? चलो नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं। पार्थ, एक बात बताओ, हाँ सर, वो तेरा सर हूँ यार मैं, समझे? तो पता ही था सर, वो जब जैसे गया तभी मैं समझ गया है। चलो नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलो अब हम कौन सा पढ़ने वाले थे आगे? हाँ चलो, आप बता भाई, अब आ गया आपको सबको वो स्पेक्ट्रल लाइन वाला फॉर्मूला? सर सेकंड लाइन का एक बार एग्जांपल लेके दिखाओ ना कि सेकंड लाइन पे ठीक है, आएगा तो। चलो चलो। सपोज जो है 8 पे है हमारा इलेक्ट्रॉन, और वो आने वाला है, वो आ रहा है फाइनली, वो आएगा थर्ड लाइन पे, मतलब अब समझ रहे हो बात? वन टू थ्री, ये थर्ड है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और ये एट है, तो एट पे इलेक्ट्रॉन है, उसको थर्ड पे आना है, कौन सा जंप लगाना है उसको? फिफ्टीन उसके लिए कितनी लाइंस बचेगी? आएगी, पॉसिबल लाइंस हाँ 28 नहीं फिफ्टीन होगी, फिफ्टीन ऐसे है, होगी। फिफ्टीन फिफ्टीन लेकिन हम तो वो फॉर्मूला ही लगाएंगे, एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। चल एन टू कितना है वो बता? हाँ 15 ही आएगा सर। एट
मैं शॉर्टकट देता हूँ, समझना कैसे होता है इसको वो भी मैं समझाता हूँ। 8 माइनस क्या आएगा? 3 प्लस 1 3 प्लस 1 हाँ डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर है बताओ? 15 30 अपॉन 2 अब बताओ तुझे देख अब यहाँ पे ऐसा करना है 8 माइनस 3 कितना होता है? 8 माइनस 3 5 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आंसर है? 15 दैट्स ऑल। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो ये फॉर्मूला क्या रखता मान लो तो लेकिन फिर ठीक है तो फॉर्मूला के बिना भी लिख सकते हैं ना। हाँ एमसीक्यू और वीएसक्यू में पूछे तब दो मार्क्स में पूछे तो फॉर्मूला लिखना चलो करो बस। ओके सर क्या ज्यादातर एमसीक्यू वीएसक्यू में आता है नथिंग एल्स। चलो और का डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। सर पहले तो एनोटेट का ऑप्शन वापस शुरू करो तो सेव करना है। अरे यार सेव क्यों स्क्रीनशॉट ले ले बढ़िया सर लैपटॉप में कहाँ स्क्रीनशॉट आता है रुको ले आता है देख मैं बता दूँ कैसे विंडोज और प्रिंट स्क्रीन कर विंडोज का सिंबल दिख रहा है हाँ हाँ और प्रिंट स्क्रीन दिख रहा है तुझे ऊपर कहाँ पे हाँ दिखा दिखा तो एक बार विंडोज दिखा और साथ में प्रिंट स्क्रीन कर तो स्नैपशॉट की तरह हो जाता है हाँ सर और वो डाउनलोड में सेव हो गया या फिर पिक्चर में सेव हो गया समझे भाई। ओके ओके चलो कौन सा आया अभी हम लोगों बताओ सर लिमिटेशन। हाँ चलो आज लिमिटेशन तो करनी करनी है बच्चों ठीक है आज डाउट्स में ही गया होमवर्क नहीं किया आपने चलो कोई बात नहीं है चलो लिमिटेशंस की बात करते हैं। अब बात ही होगी बहुत ने यार बहुत सही समझाया बहुत की वजह से ना मैक्सवेल चुप बैठ गया बिल्कुल क्यों पता है बहुत ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन किस तरह से रोटेट करते हैं पूरे का पूरा समझाया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा रोल होता है वो तो सब चीज अच्छे से किसने समझाई वो बताओ। बहुत बहुत अच्छा समझाया बच्चों फिर उसने ये बताया कि यहाँ पे जो होते हैं सभी लेयर्स होती है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमता है कैसे घूमता है वो सब चीजें बताई। अब एक बात बताऊ वो कहाँ पे मार खा रहा था वो मैं बता दू यहाँ पे है ना यहाँ पे हाइड्रोजन से जो उसका एटॉमिक हाइड्रोजन से तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिल रहा था इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं जो लाइन वाला स्पेक्ट्रा है ना इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल रहे थे यार उसमें लाइन का डिस्टेंस बहुत कम था और कई बार तो ये सभी लाइन्स एक दूसरे के ऊपर क्या होती थी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती थी डबलेट और ट्रिपलेट बनाती थी डबलेट और क्या बना देती थी ट्रिपलेट। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज दिस लाइन्स ये तो सब साइंटिस्ट आए और उन्होंने किया लेकिन बोहर ने ये जो डबलेट और ट्रिपलेट बनते हैं ये जो लाइंस बहुत नजदीक होती है इन लाइन को एक्सप्लेन करने में वो फेल रहा था ये अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आई बात समझ में? हेलो यस सर यस सर बोहर वाज नॉट श्योर अबाउट द डबलेट एंड ट्रिपलेट इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो डबलेट और ट्रिपलेट मिल रहे थे ओके नील बोहर उससे अच्छे उसको अच्छे से समझा नहीं पाए समझा बात ठीक है। yes. दूसरी बात कि यहां पे क्या होता था चलिए पहली बात होगी आपको टेक्स्ट बुक में सब साथ में दे दिया हम थोड़ा सा डिफरेंट रखें। दूसरी बात वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एटम को स्टेबिलाई उसकी स्टेबिलिटी समझाता था जिसके पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन है जैसे कि बताओ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस टू एंड बेरिलियम प्लस थ्री लिथियम प्लस टू एंड बेरिलियम प्लस बेरिलियम प्लस थ्री
इसके सिवा वो किसी और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला था। तीसरी चीज, he was not able to explain deviation of electromagnetic radiation in a magnetic field and electric field। जब हम इसको मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो स्प्लिट हो जाता था, ये दो भाग में क्या हो जाता था, स्प्लिट। उसको जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। कौन सी इफेक्ट बोलते हैं? जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट क्या है एग्जैक्टली? जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो मैग्नेटिक फील्ड में सेपरेट हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वो सेपरेट होता है, तो उसको हम लोग कौन सी इफेक्ट बोलते हैं? जीमैन इफेक्ट। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस जीमैन इफेक्ट एज वेल एज, जब आप इसके आसपास क्या ले जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाते हो, इसको लोग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टार। स्टार। स्टार की तरह। सो जब हम इलेक्ट्रिक इसके आसपास जब इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाते हैं तब क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आसपास जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाते हैं तो वो स्प्लिट होता है, इसको बोलते हैं स्टार इफेक्ट। उस इफेक्ट को बोलते हैं स्टार इफेक्ट। बट नील बोहर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस स्टार इफेक्ट। एंड फोर्थ वन एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, उन्होंने एक बात ये भी बोलता हूँ मैं, बहुत इम्पोर्टेंट, कि जब कोई दो एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेशन देता है, वो बात बहुत नहीं समझा पाया था। सो दिस ऑल वर द लिमिटेशंस ऑफ नील बोहर मॉडल। पहला वाला पॉइंट कौन सा था? पहला वाला पॉइंट कौन सा था बताओ? डबल और ट्रिपलेट समझा नहीं पाया। या लाइक जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस वर वेरी वेरी लेस, इट फॉर्म्स डबलेट एंड ट्रिपलेट। नील बोहर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। And that second thing is that, the second thing is that here he was not able to explain stability of atom which has more than one electron. जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टेबिलिटी वो नहीं समझा पाया था। And after that, the splitting of electromagnetic radiation into the magnetic field in bracket Zeeman effect and into the इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं स्टार इफेक्ट। ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। लास्ट, हाउ टू एटम्स विल कम टुगेदर एंड विल फॉर्म बॉन्ड, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय नील बोहर। ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। सो ये चारों की चार क्या हो गई थी? लिमिटेशन हो गई। वापिस लिमिटेशन आई, तो अब लिमिटेशन को क्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई और साइंटिस्ट आएगा जो इसके ऊपर काम करेगा, हाँ या ना? यस यस और नो? Yes. तो अब जो आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया से दो बंदे आ रहे हैं, एक आ रहा है हाइजेनबर्ग और आ रहा है द ब्रोगली। अरे वो मोगली, ये है द ब्रोगली। दो साइंटिस्ट आए, कौन कौन से साइंटिस्ट आए? अब किसकी बारी है नील बोहर को करेक्ट करने की? मींस ये सभी जो लिमिटेशंस है वो क्यों आ रही ब्रोगली? अरे वो मोगली और क्या मोगली, डी ब्रोगली बोला सर। हाँ मैं भी डी ब्रोगली बोल रहा हूँ, मोगली और सोमरफिल्ड, आइजनबर्ग। सोमरफिल्ड तो ठीक है सर, आइजनबर्ग का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत माने तो बहुत उसका बहुत, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था ना। हाँ तो इसके बाद वही आएगा, इससे हम लोग और शिफ्ट होने वाले एक मॉडल पे। तो द ब्रोगली और कौन आएगा? आइजनबर्ग। उसका स्पेल भी बहुत ही मतलब अच्छा है, ठीक ही है, आइजनबर्ग। इसके बाद क्रॉडिंग कर रहे हैं। ये आ गया द ब्रुकलिन हाइजेनबर्ग। अब ये दोनों इस पे रिसर्च करने लगे, यार क्या हो क्या रहा है यहाँ पे भाई, बोहर ने क्या किया, क्या हो रहा है, वो सब अच्छे से देख रहे हैं, समझे बात? तो ठीक yes. है, हम भी नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों का ही देखेंगे कि अब इन दोनों का क्या काम है। लाइक 90% तो हमें पता चल गया, लेकिन आपका वहम है कि 90% आप जो एटम सोच रहे हो कि अभी आपको आ गया तो आपकी बात गलत है, अभी भी आगे आगे मजा आएगा, समझे बात? चलो।
कल वापिस आज की जो एग्जाम है